गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए शुभम जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें आज हम एक्सप्लेन करेंगे CAGR। नाउ जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है टू नो अबाउट दैट। CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता क्या है ये और ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, इसको बहुत ही ईजी वे में आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि CAGR होता क्या है और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बाद में हम इसका इजी वे में कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स सपोज 25,000 का, और वो आपने किया गोल्ड के अंदर। लेट्स सपोज ये आपने किया 2005 के अंदर, आपने 2005 में 25,000 रुपये का सोना खरीदा। अगर आप मान लीजिए कि 2010 में आते आते इस सोने का दाम बढ़ करके 50,000 हो गया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गोल्ड ने आपको कितना रिटर्न दिया है? तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत सिंपल है, 25,000 अगर आपने इन्वेस्ट किए थे और डबल हो गया है, दैट मीन्स 100% रिटर्न मुझे मिला। बट ये 100% रिटर्न आपको मिला है 5 साल के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको इसमें सिंपल कैलकुलेशन कहा जाए कि हमें तो इतना समझ नहीं आ रहा कि 100% 5 साल में, तो मुझे बताइए आपने तो साल भर में कितना रिटर्न दिया, तो आपका जवाब आएगा कि सर साल भर में हमने 20% रिटर्न दिया, और क्या हर साल 20% रिटर्न देते गए और 5 साल का 100% हो गया, सिंपल सा मेथड से। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, 20% रिटर्न नहीं दिया है, इससे कम रिटर्न दिया है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये 20% से कम कैसे हुआ, क्योंकि देखिए हम जब भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 1 साल होने के बाद उसका जो अमाउंट है वो उसके अंदर री इन्वेस्ट हो गया होगा। लेट सपोज अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किए और आपका रिटर्न 10% है, तो हम मानेंगे कि अगले साल आपके 11,000 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं, उसके अगले साल आपके 12,100 रुपये इन्वेस्ट हुए, और इस तरीके से रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब इसीलिए हमें निकालना पड़ेगा कि आपका अल्टीमेटली रिटर्न क्या आया था, और उसे ही बोला जाता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि आपकी एनुअली कितनी ग्रोथ रेट हुई। अब ये निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप इसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट के साथ कि अरे यार मुझे अगर मैं अपने फ्रेंड को लोन देता तो मुझे 1 रुपये सैकड़ा यानी कि 12% के रेट पे मुझे इंटरेस्ट मिल जाता, तो यहाँ पे मुझे कितना रिटर्न मिला वो मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा आप और ऑप्शंस, जैसे किसी म्यूचुअल फंड में मुझे 25% रिटर्न मिल रहा है या 18% रिटर्न मिल रहा है, 20% रिटर्न मिल रहा है, तो आप उसको भी कंपेयर कर सकते हो विद द CAGR। तो CAGR का फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं एक बार आपको बता देता हूँ, CAGR इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो CAGR का फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको लेना होता है एंडिंग वैल्यू, वाओ, डिवाइड बाय बिगिनिंग वैल्यू, वेरी गुड, वेरी इजी, इसको ब्रैकेट में डालना है और इसको करना है 1/n, इसकी पावर 1/n का मतलब हुआ, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, और हमारे एग्जांपल में ये हो गए 5 ईयर्स। ना सर हमें 27 × 52 भी करना हो तो भी हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, और इस तरीके का पावर वाला निकालना तो आई थिंक जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इजी होगा, बट नॉर्मल पर्सन शायद इसे ना निकाल पाए जब तक कि उसकी मैथ्स बहुत अच्छी ना हो। अब अगर हम हमारा एग्जांपल देखें तो वो बनेगा इस तरीके से, 50,000 / 25,000 / 5। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट है वो इसे निकाल लेना, ये आ जाएगा 2^1/5 और कुछ ये निकल के आएगा, और वही हमारा रिटर्न हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सर अब ये तो निकल गया बट हमें तो रिटर्न निकालना है, और इस तरीके से तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसी के लिए बना है 72 का रूल, जिसे हम 72 रूल बोलते हैं। फाइनेंस में काफ़ी इजी रूल माना जाता है, क्योंकि इससे आप रिटर्न बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और आप वाकई में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, है ना, आप निकालना कि आपके दादाजी ने अगर आपका घर लिया हुआ है और आज की वैल्यू कितनी में है और आपके दादाजी ने कितनी, तो आपके घर की आप रिटर्न निकालना। इसके अलावा आप सोने की रिटर्न निकाल सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से, मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टीज़ के आप रिटर्न निकाल सकते हो, आपके पास एक लाइव एग्जांपल होगा। बट हाँ, ऑफकोर्स यहाँ पे 72 का रूल इतना एक्यूरेट नहीं होता है, तो इसीलिए अगर आप इससे कोई डिसीजन लेते हो यानी कि बहुत एक्यूरेट डिसीजन आपको लेना है, तो प्लीज़ आप इस फॉर्मूला को फॉलो करिए। बट अगर आपको चलता है कि नहीं ठीक है मुझे एक आइडिया चाहिए जनरली रफली कि यार कितना रिटर्न दे रहा है, तो 1-2% ऊपर नीचे से मुझे कुछ इतना होगा नहीं, तो आप 72 का रूल फॉलो कर सकते हो। ये रूल क्या कहता है, देखिए ये रूल कहता है कि आपका जो रिटर्न है उसको
नीचे डिनोमिनेटर में रखिए, यानी कि जो भी आपका रिटर्न है, लेट सपोज आपका रिटर्न है 12%, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 12% का रिटर्न दे रहा है, दैट मीन्स आप इसको नीचे रखिए 12। अब इसको डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा यानी कि 6, यानी कि ये क्या है 6 ईयर्स। और ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि इतने साल लगेंगे आपको उस इन्वेस्टमेंट को डबल यानी कि 2 गुना होने में। अब हम इसका रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि 5 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब हमें 72 / 5 करना है, तो 72 / 5 अप्रोक्सीमेटली 14 point something आएगा, क्योंकि 14 × 5 = 70, तो लगभग इसके बराबर ही आएगा। मान के चलिए आप 14.4, ठीक है, तो ये आएगा आपका रिटर्न। अब आप चाहे तो फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपका एक्चुअल रिटर्न क्या आया विद द फॉर्मूला, और देखिए कि इसमें कितना वेरियंस आया। अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा बहुत एजी रह गया क्योंकि आपने डबल कर दिया था, अगर मान लीजिए डबल नहीं हुआ तो क्या होगा और इन सब चीज़ों के लिए, तो देखिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर इस 72 के रूल को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत एस्टिमेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है और वो मान लीजिए कि 4 गुना हुआ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह हुआ है 2 × 2। अब लेट सपोज कि 4 गुना होने में उसे टाइम लगा है 9 ईयर्स का, ठीक है, मैं ऑड फिगर लेता हूँ, 8 ईयर्स नहीं लेता हूँ, 9 ईयर्स का टाइम लगा है, यानी कि एक बार डबल होने में इसको 4.5 ईयर्स का टाइम लगा। दैट मीन 72 / 4.5 जो कि लगभग कितने आएगा 4 ईयर्स, आई थिंक आई एम राइट, नो सॉरी 8 ईयर्स, इतना नहीं नहीं सॉरी 4.8 लगाना 4.5, तो ये कितना आ जाएगा 18 आना चाहिए आई थिंक, 72 कितना आएगा, लेट सपोज ये कितना आता है, नीचे अगर 9 हो तो 8, ओके 16 आएगा, 16, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, ओके शो या सो 9 ईयर अगर आपका लगा है 4 टाइम होने में, तो एक बार होने में 4.5 साल और 4.5 साल होने में आपको लगेंगे 16% का रिटर्न। अब आप इसको निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी आप डमी फिगर ले लीजिएगा, लेट सपोज 50,000 एक और वो 4 गुना यानी कि 2 लाख हुए और ये हुए 9 ईयर्स के अंदर, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूला में लगाइए 950,000 / 1/n, ये 1/n क्या है 9, तो इसको आप निकाल लीजिएगा 4 / 1/9, यहाँ पे समथिंग लेकर के आएगा, और जैसे ही आप इसको निकालोगे यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा, वो आपका रिटर्न आ जाएगा। अब आपको कहोगे कि सर रिटर्न कैसे आएगा, तो ये रिटर्न आना चाहिए 1.16, ठीक है। अब इसमें से आपको 1 माइनस कर देना, यानी कि 1.16 / 9 = 4, मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, गुड डे, गुड बाय।